अस्सलाम वालेकुम मोहतरम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? आपकी सेहत कैसी है? आपकी सेहत, आपकी तंदुरुस्ती और आपकी सलामती के लिए मैं हर वक्त दुआगो रहूंगा। आज की इस वीडियो में हम एक जानी पहचानी टेबलेट डिस्प्रिन को डिस्कस करेंगे। डिस्प्रिन के फवायद हम बयान करेंगे, इसके साइड इफेक्ट्स और इसके यूज इसके बारे में डिस्कस करेंगे। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले जिन व्यूअर ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उनसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। सबसे पहले इसकी कंपोजिशन को पढ़ते हैं कि इसका फार्मूला क्या है। एसिटाइल सिलिसाइलिक एसिड, ये इसकी कंपोजिशन है और इसकी एक पलते की कीमत यानी एक स्ट्रिप की कीमत 20 रुपए है। डिस्प्रिन टैबलेट्स नॉन स्टेरॉयडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स के ग्रुप से ताल्लुक रखती है। अब हम डिस्प्रिन टैबलेट्स के कुछ इफेक्ट्स पढ़ेंगे। एक इसकी पहली इफेक्ट है एंटीप्लेटलेट इफेक्ट, एनर्जेटिक इफेक्ट, एंटीपायरेटिक इफेक्ट और एंटी इंफ्लेमेटरी इफेक्ट। अब इन इफेक्ट्स को हम बारी बारी तफसील के साथ पढ़ते हैं। एंटीप्लेटलेट इफेक्ट, ये क्या चीज है? ये टेबलेट खून को पतला करती है, ये इसकी एंटीप्लेटलेट इफेक्ट है और जो 40 साल से ज्यादा उम्र के लोगों के लिए फायदेमंद है। खून के पतला होने की वजह से हार्ट अटैक का खतरा कम हो जाता है, यानी जिन लोगों का खून गाढ़ा हो जाता है तो उनके हार्ट अटैक का इम्कान ज्यादा बन जाता है। और डिस्प्रिन गोली इस्तेमाल करते हैं जो लोग, तो इससे खून पतला हो जाता है और हार्ट अटैक का इम्कान कम हो जाता है। अच्छा, एनर्जेटिक इफेक्ट, ये दर्दों में काम करती है, ये इसकी एनर्जेटिक इफेक्ट है। जोड़ों में दर्द हो या सर में दर्द हो, दांतों में दर्द हो या नजला जुकाम हो, जिसकी वजह से साइनस, अच्छा ये साइनस है, ये जो हमारे नाक के अंदर जो दो सुराख होते हैं आंखों के करीब, तो इन्हें साइनस कहते हैं, तो उसमें दर्द हो या हड्डियों में दर्द हो, इन सब के लिए मुफीद है। तो ये हुआ इसका एनर्जेटिक इफेक्ट। अच्छा, एंटीपायरेटिक इफेक्ट, ये बुखार को कम करती है, बुखार किसी भी वजह से हो इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन डेंगू बुखार में नहीं। डेंगू बुखार में आप इसको इस्तेमाल ना करें, इसका इस्तेमाल डेंगू बुखार में ममनू है क्योंकि इसमें प्लेटलेट काउंट बहुत कम होती है। किस चीज में? डेंगू बुखार में कम होती है। इसके अलावा कोरोना की बीमारी में मुफीद है, इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें खून गाढ़ा होता है और ये खून को पतला करती है, यानी कोरोना की डिजीज में जो खून होता है ये गाढ़ा होता है कोरोना में, तो इसे खून पतला होता है। और डेंगू बुखार में चूंकि प्लेटलेट काउंट कम होती है तो इसलिए डेंगू बुखार में ये इस्तेमाल करना नहीं चाहिए। एंटी इंफ्लेमेटरी इफेक्ट, जोड़ों के दर्द या सूजन के लिए मुफीद शुमार किया जाता है, ये इसका एंटी इंफ्लेमेटरी इफेक्ट है। जैसा रूमेटॉइड आर्थराइटिस हुआ जिसकी वजह से जोड़ों में सूजन होता है, तो ऐसे डिजीज में इसका इस्तेमाल बहुत मुफीद है। अब साइड इफेक्ट्स को पढ़ते हैं कि इसके मुमकिन साइड इफेक्ट्स क्या हो सकते हैं। अच्छा, तो इससे मछली आ सकती है, उल्टी लग सकती है, स्किन पर रैशेस हो सकते हैं और मेदे में दर्द हो सकता है। अच्छा, अब काउंटर इंडिकेशंस को पढ़ते हैं कि डिस्प्रिन टेबलेट्स को कौन से लोग इस्तेमाल नहीं कर सकते, यानी किन लोगों को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तो हाइपर सेंसिटिव लोग इस्तेमाल ना करें, जो डिस्प्रिन टेबलेट से एलर्जी रखते हो तो वो इस्तेमाल ना करें। जिन लोगों का खून पतला होता है तो उनको एडवाइस किया जाता है कि वो इस्तेमाल ना करें। अच्छा, डेंगू के मरीज इस्तेमाल ना करें जो डेंगू के बुखार वाले हो, जैसा कि मैंने पहले बताया कि डेंगू के मरीज के प्लेटलेट काउंट कम होती है, तो वो यूज ना करें। 18 साल से कम उम्र के जो लोग होते हैं उनको भी एडवाइस किया जाता है कि वो इस्तेमाल ना करें। अच्छा, प्रेगनेंसी में अगर ज्यादा जरूरत ना हो तो इस्तेमाल ना करें, और अगर प्रेगनेंट खवातीन इस्तेमाल करना चाहते हैं तो वो डॉक्टर के मशवरे के बाद इस्तेमाल करें, डॉक्टर से जरूर मशवरा करें, वरना ये प्रेगनेंसी में अच्छी नहीं है। अच्छा, दूध पिलाती माएं जो होती है वो भी इस्तेमाल नहीं कर सकते, उनको भी एडवाइस किया जाता है कि वो इस्तेमाल ना करें। अब इसके डोज को पढ़ते हैं कि डिस्प्रिन टेबलेट्स को कितने मिकदार में लेना चाहिए। सर के दर्द के लिए 2 टेबलेट्स पानी में हल करके पिए, तो जाहिर सी बात है हर एक को पता है, जाहिर है आप सबको पता होगा। और हार्ट अटैक से बचने के लिए, जो जिन लोगों को हार्ट अटैक का खतरा होता है, तो हार्ट अटैक से बचने के लिए 1 टेबलेट पानी में हल करके पी लें।
अगर कान में दर्द तो इसके लिए भी ये इस्तेमाल किया जाता है, तो कान के दर्द के लिए 2 टेबलेट्स पानी में हल करके इस्तेमाल करें। तो मोहतरम व्यूवर्स, ये थे डेस्प्रिन टेबलेट्स के तफसीली मालूमात जो मैंने आपको बताई। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए और हमें दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।